देखिए किस किस की बनी, हम लोग सुने कि भगवान ने किस किस की बनाई है, क्या पता कभी हमारी भी बन जाए। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, 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 और हनुमत की बन गई, सिया सुदिलाए से, हनुमत की बन गई, सिया सुदिलाए से, ओ हनुमत की बन गई, सिया सुदिलाए से, हनुमत की बन गई, सिया सो। हाँ भैया ऐसे ही, ओ तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, गाइए तेरी बन जाएगी, ओ गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल, किसकी बन। नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन गई, यशोदा की बन गई, नंद की बन की बन गई, और गोपियन की बन गई, मक्खन खवाए से, गोपियन की बन गई, मक्खन खवाए, ओ गोपियन की बन गई, मक्खन खवाए से, गोपियन की बन भैया ऐसे ही, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से, ऐसे नहीं, दोनों हाथ कर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जा हो, बाके बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, तेरी बन जाएगी
जहू की बन गई, गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई, गीदहू की बन गई, गजहू की बन गई, गीदहू की बन गई, और किसकी बनी? केवट की बन गई, केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए से, केवट की बन गई, नाव पे चढ़ाए ऐसे ही तेरी बन। इस प्रकार से श्री ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हुई, भगवान के परम धाम को ध्रुव ने प्राप्त किया। आगे फिर श्री ध्रुव जी महाराज के वंश का वर्णन इस चतुर्थ स्कंद में हुआ है। इन ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए थे जिनका नाम था अंग। आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। ये जो अंग राजा थे, इनकी पत्नी थी सुनीता, और इनके यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा वेन। प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो वेन था ना, बड़ा दुष्ट था, बहुत दुष्ट। ये बचपन से ही बहुत गलत गलत काम करता था, चोरी भी करता था। राजा का बेटा होकर खूब चोरी करता। यदि इस वेन से कोई अंधा व्यक्ति रास्ता पूछे कि हमको रास्ता बता दो भैया, तो उसको लेकर जाता कुएं में ही डक्का दे देता, इतना शैतान वेन। वेन का अर्थ भी ये होता है, वेनयति पीड़यति जनान इति वेनः। जो लोगों को कष्ट दे, पीड़ा पहुंचाए, वो वेन है। अब इसके अत्याचारों से इसके पिता अंग महाराज बड़े दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए कि रात में चुपचाप महलों को छोड़ के ही वन में चले गए, इतना दुखी हो गए। पिता के जाते ही वन में वेन गद्दी पर बैठ गया, राजा बन गया। और गद्दी पर बैठते ही वेन ने घोषणा कर दी कि न अष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वश। वेन ने घोषणा कर दी कि अब आज से मेरे राज्य में न कोई दान करेगा, न कोई यज्ञ करेगा, न कोई भगवान की पूजा करेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। ये घोषणा वेन ने कर दी। अब तो महाराज बड़ा हाहाकार मच गया प्रजा में, ये कैसा राजा आ गया, कहता है कोई यज्ञ नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। तो उस समय जितने भी बड़े बड़े संत थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, सब मिलकर वेन के पास आए,
और वेन को आकर सबने कहा कि महाराज आपने कैसी घोषणा कराई है, आप कहते हो कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। अरे जिस राज्य में यज्ञ नहीं होते, दान नहीं होते, पूजा पाठ नहीं होते, वहां की प्रजा कभी सुखी नहीं रहती है, वहां पर अकाल पड़ता है, वहां पर प्रजा में भय बना रहता है, वहां कोई सुख चैन से नहीं रह सकता। राजा आप इस घोषणा को वापस लो, ऐसा मत करो। तो वेन ने कहा कि अच्छा तुम लोग मुझे सिखाने आए हो, बालिशा वत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदं पतं हित्वा जारं पतिं उपासते। अरे ब्राह्मणों तुम लोग मुझे छोड़कर किसी और भगवान की पूजा करते हो, कौन भगवान है लाओ मुझे दिखाओ, किसकी पूजा करते हो। नहीं नहीं आज से किसी भगवान की पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा भगवान तो मैं हूं, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा, क्योंकि मैं तुम्हारा पालन करता हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, और पालन करने वाले पति को राजा को छोड़कर तुम किसी दूसरे भगवान की पूजा करते हो, मैं सबको सूली पर टंगवा दूंगा यदि आज से किसी ने भी भगवान की पूजा की। हां यदि तुमको पूजा करनी है तो मेरी करो, यज्ञ करना है तो मेरे नाम से यज्ञ करो, दान करना है तो मेरे नाम से दान करो, तब तो कर सकते हो। जो ऐसा कहा ब्राह्मणों को सबको क्रोध आ गया कि ये राजा तो बड़ा पापी है, ये भगवान की पूजा बंद कराकर अपनी पूजा कराना चाहता है। सबको क्रोध आ गया, हन्यताम हन्यताम एष पापः प्रकृति दारुणः। सब ब्राह्मण बोले कि इसको मार डालो मार डालो, ये राजा बनने योग्य नहीं है। सबने अपने अपने कमंडलों से जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया जल को, और वो जल लेकर वेन के शरीर पर फेंका, तो जल के पड़ते ही वेन का उसी समय प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब कौन गद्दी पर बैठे, तो ब्राह्मणों ने यहां वेन के शरीर का मंथन किया है, और वेन के शरीर का मंथन करके उस वेन के पार्थिव शरीर से भगवान का अवतार हुआ है, साक्षात पृथु भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो पृथु भगवान की जय। वेन के शरीर से पृथु भगवान प्रकट हुए और लक्ष्मी स्वरूपा महारानी अर्ची प्रकट हुई थी। दोनों का विवाह कराया ब्राह्मणों ने और गद्दी पर महाराज पृथु को बिठा दिया। देखो भगवान ने बता दिया कि मैं जीवित के अंदर तो हूं ही, लेकिन मैं तो मुर्दे के अंदर भी बैठा हूं। भगवान मुर्दे के अंदर से भी निकल आए, वेन के शरीर से प्रकट हो गए परमात्मा। कहां नहीं है भगवान, हर जगह बैठे हैं। महाराज पृथु गद्दी पर विराजमान हुए हैं। इनके सामने सबसे पहली समस्या तो ये आई कि इनके यहां पर बहुत भीषण अकाल पड़ा। पृथ्वी ने अपने अंदर से अन्न को प्रकट करना ही बंद कर दिया, बड़ा भीषण अकाल। महाराज पृथु को क्रोध आया, पृथ्वी को ताड़ना भागवत में दी, वसुदे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परांग मुखीम। हे वसुदे तू मेरी बात नहीं मानती, मेरे राज्य में तूने अन्न को देना बंद कर दिया, मेरी प्रजा भूखी मर रही है। धनुष बाण लेकर खड़े हो गए पृथ्वी को मारने के लिए। जब ऐसा रूप पृथु भगवान का पृथ्वी ने देखा तो मां पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आई है। भगवान पृथु को स्तुति की, प्रणाम किया, और पृथ्वी ने कहा कि देखो महाराज आप मेरे ऊपर क्रोध मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। आपका जो पूर्वज राजा वेन था उसने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किए कि उसके पापों से, उसके अत्याचारों से मेरे अंदर से बीज नष्ट हो गया है। अब मेरी ये जो सतह है ये उपजाऊ नहीं रह गई, अब तो अकाल ही पड़ेगा। महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, ये आपके पूर्वज राजा वेन के पापों का प्रताप है। प्रेम से कहो श्री राधे। पृथु जी ने पूछा कि फिर हमको क्या करना चाहिए, तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए, आप अलग अलग वत्स बनाइए, बछड़े बनाइए, और हमारा आप दोहन करिए, आपको समस्त बीज पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाएंगे।
पृथु जी ने अलग अलग वत्स बनाए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया पृथु ने, ब्रह्मा जी को वत्स बनाया और गौ का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया ब्रह्मा जी को वत्स बनाकर, तो ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया है। इंद्र को बछड़ा बनाया, इंद्र को बछड़ा बनाकर जब दोहन किया है इंद्रिय सुख को प्राप्त किया है। श्री कपिल भगवान को बछड़ा बनाया, दोहन किया तो अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त किया है। अलग अलग बछड़े बने हैं, प्रहलाद जी को भी वत्स बनाया गया था, प्रहलाद जी को वत्स बनाकर मदिरा को प्राप्त किया है। अलग अलग बीज, अलग अलग पदार्थ पृथ्वी ने फिर से पृथु जी को प्रदान किए हैं। अब तो महाराज पृथु जी की प्रजा में सब प्रकार से सुख, सब प्रकार से आनंद हो गया। और जैसे एक पिता अपनी बेटी को पालन पोषण करता है ना, जैसे माँ बाप बेटी का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही पृथु जी ने बेटी की तरह पृथ्वी का पालन किया है बहुत अच्छी तरह से। बड़े बड़े पर्वतों को कटवाया था, समतल भूमि का निर्माण करवाया था, छोटे छोटे गांव बसाए थे, छोटे छोटे नगर पृथु जी ने बसाए थे। हम लोग जो समतल भूमि देख रहे हैं ये सब पृथु जी की देन है। पृथु जी से पहले पूरी पृथ्वी पर पहाड़ ही पहाड़ थे, पृथु जी ने ही पहाड़ों को कटवाकर छोटे छोटे गांव नगर बसाए थे। ठीक प्रकार से प्रजा का पालन किया था बंधुओं। एक बार पृथु जी ने बहुत सुंदर संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। अब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे, लेकिन जैसे यज्ञ करने के लिए बैठते तो इनके अश्व का, इनके यज्ञ के घोड़े का हरण करके इंद्र ले जाता था। जब जब यज्ञ करने बैठते तब तब इंद्र इनके घोड़े को ले जाता। बड़ा क्रोध आया, क्योंकि देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की गद्दी मिल जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे, वो स्वर्ग का राजा बन जाता है। अब अपनी अपनी गद्दी की चिंता तो सबको होती है, कहीं हमारी गद्दी ना चली जाए। तो इंद्र ने सोचा कि यदि इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो कहीं ये स्वर्ग के राजा ना बन जाए, तो यज्ञ को पूरा नहीं होने देता इंद्र, बार बार इनके यज्ञ के घोड़े का हरण करके ले जाता। पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया, धनुष बाण लेकर खड़े हो गए कि मैं इंद्र को मार डालूंगा, मुझे यज्ञ नहीं करने देता। तो स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए हैं और आकर पृथु जी को समझाया, कहा कि देखो पृथु, आप ये बताओ कि ये यज्ञ आप क्यों कर रहे हो, तुम इंद्र की गद्दी चाहते हो? पृथु जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम इंद्र की गद्दी को नहीं चाहते हैं, हम तो केवल भगवान को पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हमारे इन यज्ञों से नारायण प्रसन्न हो जाएं, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति ने कहा कि देखो इंद्र, फिर तुम ऐसा करो कि तुम 100 की जगह 99 यज्ञ करो। हमें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे 99 यज्ञों से भगवान प्रसन्न होंगे। अब पृथु जी ने ऐसा ही किया, 100 की जगह 99 यज्ञ किए। अब 99 यज्ञ करने से इंद्र की गद्दी भी बच गई, और जैसे ही वो 99वां यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ कुंड से साक्षात नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यज्ञ कुंड से भगवान प्रकट हो गए।